तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में उसकी प्रॉपर्टी सेट करने के लिए होते हैं। जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे हमारे पास अगर हमें इमेज इसमें अपलोड करना है, इमेज अपने वेब पेज के ऊपर जो डिस्प्ले करना है, तो उसके इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक सोर्स SRC और फिर उसमें ये लोगो डॉट जेफ है और इसका जो ALT है वो लोगो है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यू हम सेट करते हैं एट्रीब्यूट्स के ज़रिए। तो हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर टैग के बारे में होते हैं। तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं ये स्पेसिफिकली इमेज के लिए हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो हर एट्रीब्यूट के ऊपर सेट होते हैं, जो कि ID, स्टाइल, क्लास, टाइटल है। तो टाइटल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी भी एलिमेंट की जो हिंट है, जिस तरह यहाँ पे हिंट नज़र आ रहा है, इसको शो करने के लिए यूज़ होता है। तो बाकी जो ID, स्टाइल, क्लास, ये एट्रीब्यूट्स हैं, हम इनको जो है वो यूज़ करेंगे CSS में। तो HTML में जो हेडिंग्स होती हैं उसमें 6 लेवल होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो H1 जो है हेडिंग, इसका मतलब है कि ये टॉप मोस्ट है और इसमें जो फॉन्ट साइज है वो सबसे बड़ा है, सब हेडिंग का उससे स्मॉलर है, हेडिंग 3 का उससे स्मॉलर फॉन्ट साइज है। तो इस तरह हम हेडिंग को सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर पैराग्राफ टैग्स हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो एक पेज के अंदर आप नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को राइट कर सकते हैं। आपने जिस तरह आप वर्ड फाइल के अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते हैं कि कुछ कंटेंट आपने कुछ टेक्स्ट एक पैराग्राफ में लिखा, फिर थोड़ी एक स्पेस के बाद आपने जो है अपना टेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में लिखा, तो इसी तरह HTML पेज में अगर आपने पैराग्राफ लिखने हैं तो उसके लिए P टैग या एलिमेंट यूज़ होगा। देन वी हैव सेक्शंस डिव एंड स्पैन। जो डिव है ये एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स टाइप है जिसमें आप उसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जिस तरह आप वर्ड के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स आप राइट करते हैं उसका आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, उसमें आप कोई टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह आप जो डिव है टैग इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर हमने जितनी भी जो टैग्स हैं उनको डिस्कस किया है, ये उनको मैंने एक HTML फाइल की सूरत में लिख दिया और उसका नाम है headings.html। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो H1 है, heading 1, इसका जो फॉन्ट साइज है सबसे बिगर है, और उसके बाद H2 है सब heading 2, इसका फॉन्ट उससे कम है, H3 है उसका फॉन्ट उससे कम है। देन वी हैव पैराग्राफ टैग्स, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो जो सेकेंड पैराग्राफ होगा तो इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस होगी, ऑटोमेटिकली ये इसमें इंसर्ट हो जाएगी। डिव जो है इसमें मैंने इसका जो कलर किया था बैकग्राउंड कलर वो स्काई ब्लू था, तो ये स्काई ब्लू इसमें कलर है। और इसमें जो स्टाइल बैकग्राउंड कॉलम स्काई ब्लू है, तो ये एक्चुअली इनलाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम CSS के ऊपर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना मैं बता देता हूँ कि जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है या CSS स्टाइल शीट होती है, ये आपके वेब पेज के लुक एंड फील के लिए है कि आपका जो वेब पेज है उसका जो फॉर्मेट है वो यूनिफॉर्म हो और वो किस तरह बेहतर नज़र आए, उसमें जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं वो कैसे सेम साइज़ की हो सकती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से। तो ये एक टाइप है CSS की जिसको इनलाइन CSS कहते हैं। इनलाइन CSS का मतलब है कि विद इन द टैग हम CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो आपने अगर डिव
टैग को स्टाइल करना है, इसमें इसकी जो लुक एंड फील बेहतर करनी है, तो इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी की वैल्यू इस कॉलम के बाद आएगी, और इसमें आप कलर नेम लिख सकते हैं, स्काई ब्लू, ब्लू, रेड, व्हाटएवर, जो भी कलर आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको आप एलिमेंट में यहाँ पे क्लोज करेंगे ओपनिंग टैग को, और इसमें आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो आप, दिस इज अ डिव, तो ये डिव यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, उसके बाद ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, और ये HTML का। इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी आउटपुट ब्राउज़र में नज़र आएगी। अब मज़ीद डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हम कैसे कर सकते हैं। तो HTML के बारे में आप ये समझ लें कि HTML जो है आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, कि इसमें हेडर कहाँ पे है, फुटर कहाँ पे, और उसका जो मेन कंटेंट है वो आप कैसे फॉर्मेट करेंगे। अगर आप इसमें कोई इनवैलिड HTML कोड भी डाल देते हैं तो ब्राउज़र उसको टॉलरेट करता है और कोई एरर नहीं आता। तो सबसे पहले जो लाइन होती है वो डॉक टाइप होती है। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये बताती है, DTD भी इसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। तो ये जो आपकी पुरानी वेबसाइट्स हैं जो HTML 4 के ऊपर बेस करती हैं या HTML 1.0 के ऊपर बेस करती हैं, जब आप उनको यूज़ करें या उनमें कोई पेज को ऐड करें और उसकी आप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखना चाह रहे हैं, तो फिर डॉक टाइप को डिफाइन करना ज़रूरी है। तो जो डॉक टाइप है ये ट्रांजिशनल भी हो सकती है और स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। ट्रांजिशनल डॉक टाइप का मतलब है कि अगर इसमें कोई डेप्लिकेटेड भी टैग यूज होता है तो भी आपका वेब पेज रन होगा और वो उसका उसकी सपोर्ट उसमें अवेलेबल होगी। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि कोई भी डेप्लिकेटेड टैग आपकी वेबसाइट में यूज नहीं होता। स्ट्रिक्ट का मतलब है कुछ टैग्स ऐसे हैं जो डेप्लिकेट हो चुके हैं। डेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि जो नए वर्जन है HTML के उनमें उसकी सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप उसमें उसकी सपोर्ट रखना चाह रहे हैं देन यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपके पास जो HTML कौन सी है, उसमें XHTML है या HTML 4.01 है या HTML 1.0 है या XHTML है, फिर यहाँ पे आपने बताना है इज़ इट ट्रांजिशनल या स्ट्रिक्ट है। और उसके बाद ये कंप्लीट जो URL है w3.org.tr.html ये आपने इसमें transitional.dtt ये लाइन आपने इसमें इंक्लूड करनी है। तो ये जो डॉक टाइप डेफिनेशंस हैं ये w3.org की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें HTML 5 का तो उसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर वेब पेज विद HTML टैग। आपने जस्ट HTML उसमें टाइप करना है। HTML टाइप करने के बाद आप उसके बाद हेड बॉडी के सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। XHTML जो है स्ट्रिक्ट टाइप है HTML की। तो XHTML अगर आप किसी वजह से यूज़ करना चाह रहे हैं तो XHTML के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइप में XHTML रखा है तो फिर आपका जो वेब पेज है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ XHTML रिटन होना चाहिए। अब जो XHTML के रूल्स हैं वो ये हैं कि जितने भी टैग्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो लोअर केस में होंगे, जितने भी आप टैग्स यूज करेंगे वो क्लोज होंगे, और XHTML उसमें सिर्फ आप एक रूट HTML एलिमेंट यूज कर सकते हैं, इसके अलावा उसमें रूट HTML एलिमेंट यूज नहीं कर सकते।
XHTML के अंदर बहुत से जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो डेप्रिकेट हो चुके हैं, या फिर वो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको CSS ने कैस्केडिंग स्टाइल शीट में मूव कर दिया गया है। तो इसमें जो एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन है वो अलाउड नहीं है। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास एक एलिमेंट है लाइक इनपुट। इनपुट जो है ये टेक्स्ट फील्ड शो करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने वेब पेज में एक टेक्स्ट फील्ड, इनपुट टेक्स्ट फील्ड शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनपुट एलिमेंट यूज़ होता है। तो इनपुट एक जेनेरिक टाइप है, जेनेरिक एलिमेंट है। इसमें आप टाइप चेकबॉक्स भी रख सकते हैं, टाइप आप इसकी रेडियो भी रख सकते हैं, या टेक्स्ट फील्ड भी रख सकते हैं। तो इस केस में इसकी टाइप जो है चेकबॉक्स है, तो ये चेकबॉक्स एक अपीयर होगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होगा, यानी इस पर क्लिक होगा। इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और ये चेक इज इक्वल टू चेक जो यहाँ पे लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप चेक लिखते हैं और इसको क्लोज भी ना करें। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एलिमेंट। तो अब ये नॉर्मल HTML में अलाउड है, लेकिन XHTML में ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, जो सबसे पहला सेक्शन है किसी भी वेब पेज में, वो हेड सेक्शन होता है। तो ये हेड सेक्शन में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके वेब ब्राउज़र की बॉडी में या उसका जो मेन स्क्रीन एरिया है वहाँ पे शो नहीं होता। तो इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो या तो ब्राउज़र के लिए होती है, या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है, या वेबसाइट को डॉक्यूमेंट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। तो वेब ब्राउज़र में क्योंकि स्ट्रिक्ट कोडिंग है, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो इस वजह से जो वेब ब्राउज़र्स हैं ये XHTML पेज को एज़ कम्पेयर टू HTML पेज ज़्यादा फास्टर लोड करते हैं। और इसमें जो वैलिड कोड होगा वो भी फास्टर लोड होगा एज़ कम्पेयर टू इनवैलिड कोड। तो हेड सेक्शन में चार टैग्स होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ टैग्स हैं, लाइक इसमें मेटा टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, स्टाइल है और कमेंट्स है। तो हेड टैग्स के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम देखते हैं कि सबसे पहले है टाइटल। तो ये जो भी आपने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट विंटर सीजन, तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर के लेफ़्ट टॉप के ऊपर अपीयर होती है। तो ये अमूमन यूज़ होती है कि आप अपने वेब पेज के बारे में या वेबसाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो टाइटल टैग है ये सर्च इंजन भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो भी यूज़र हैं आपकी वेबसाइट के वो भी ये इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटा टैग, जो हेड में आप यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग्स जो होते हैं ये कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं कि इस वेब पेज में किस तरह का कंटेंट है, लाइक मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और इसमें कंटेंट है HTML ट्यूटोरियल। तो अगर आपने HTML ट्यूटोरियल रखा है या कोई और भी इसमें आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट जो आपका वेब पेज है उसके बारे में। फिर इसमें मेटा नेम कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड्स के बारे में मेटा डेटा है जिसमें आप रख सकते हैं HTML, वेब डिज़ाइन, स्टाइल, देन मेटा नेम, ऑथर। तो इसमें अगर आप कोई ऑथर नेम रखना चाहें तो आप इसमें ऑथर रख सकते हैं। फिर उसके बाद मेटा HTTP इक्विप रिफ्रेश कंटेंट 5, ये आप वैल्यूज रख सकते हैं कि कब पेज रिफ्रेश होगा। या फिर ये जो कीवर्ड्स हैं ये जो सर्च इंजन्स हैं ये यूज़ करते हैं आपकी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए। तो एक्चुअली मेटा जो है दिस इज़ डेटा अबाउट डेटा, या ये आप इसको वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में कह लें कि डेटा अबाउट योर वेबसाइट जो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एलिमेंट।
जो स्क्रिप्ट एलिमेंट है ये स्क्रिप्ट को एम्बेड करने के लिए यूज होता है। जावास्क्रिप्ट है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट एम्बेड करना है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो स्क्रिप्ट जो होते हैं दे आर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। क्लाइंट साइड का मतलब है कि उसको ब्राउज़र के ऊपर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जो क्लाइंट एंड का डेटा है उसको पोस्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए या डेटा को वैलिडेट करने के लिए आप स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रिप्टिंग है वो एनिमेशन करने के लिए, या उसके अलावा डिफरेंट इफेक्ट आप अपनी वेबसाइट में जो डालते हैं लाइक स्लाइडर उसमें रखते हैं या फिर एनिमेशन आप उसमें डालते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो वेब पेज में यूज़ हो सकते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है, अब इसमें जावा का मतलब ये नहीं है कि ये जावा लैंग्वेज के ऊपर बेस करता है। जावास्क्रिप्ट अलग से एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको वेब पेजेस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वीबी स्क्रिप्ट है और जे स्क्रिप्ट है। तो एग्जांपल देखते हैं स्क्रिप्ट की। ये आपका जो जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं उनमें एचटीएमएल है, टैग है, टाइटल है। तो स्क्रिप्ट जो एलिमेंट है उसको आप यूज़ करेंगे, तो ये स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, उसके बाद टाइप कि कौन सा स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, इसका मतलब है कि इस वेब पेज में जावास्क्रिप्ट यूज़ होगा। तो जिस तरह लैंग्वेजेस में आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसमें भी आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन से हेलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसमें जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो आपने लिख दी। तो ये हेलो वर्ल्ड इसमें इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट जो है टैग क्लोज हो गया, हेड टैग क्लोज हुआ, बॉडी, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और इसमें आपने ये से हेलो क्या था, ये फंक्शन का नाम था। तो इसको आपने जब कॉल करना है तो यहाँ पे आपने सिंपली से हेलो विद स्मॉल ब्रैकेट्स एंड सेमी कॉलन ये आपने टाइप कर देना। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल कर रही है जो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और उसके बाद ये स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग क्लोज होगा, एचटीएमएल क्लोज होगा, इसको आप सेव कर लेंगे। स्क्रिप्ट्स एग्जांपल डॉट एचटीएमएल या कोई भी फाइल नेम आप रखना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप इस फाइल नेम को रख सकते हैं और उसको आप सेव कर दें स्क्रिप्ट्स एग्जांपल डॉट एचटीएमएल। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये सेव हो जाएगा और जब इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये हेलो वर्ड इसमें डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है स्टाइल एलिमेंट। द स्टाइल एलिमेंट एम्बेड्स फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन CSS styles into an HTML page। तो आप अपने HTML पेज के अंदर कोई स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। वैसे CSS को इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आप किसी सिंगल टैग के ऊपर या सिंगल पेज के ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टाइल एलिमेंट यूज़ हो सकता है। तो इसको आप स्टाइल एलिमेंट लिखेंगे, इसकी टाइप टेक्स्ट CSS, और फिर कौन सा एलिमेंट है जिसके ऊपर आपने स्टाइलिंग को अप्लाई करना है। तो P अगर इसका मतलब है पैराग्राफ टैग के ऊपर आप कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको आप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में आप प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे कि जब भी पैराग्राफ का टैग यूज हो तो उसका फॉन्ट साइज 12 पॉइंट होगा, उसकी जो लाइन हाइट है वो 12 पॉइंट होगी। तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टी सेट की और कर्ली ब्रेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बाद आप कुछ और प्रॉपर्टीज भी सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जिस तरह ये जो हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं लाइक पी फर्स्ट लेटर, पी कॉलन फर्स्ट लेटर, के पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसका फॉन्ट साइज 200% हो, जो बाकी टेक्स्ट है जो आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं उससे उसका जो फॉन्ट साइज है वो आप डबल करना चाह रहे हैं तो उसको आप 200% यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये 200% डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टाइल्स में एस जो है दिस इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ, तो इसका जो फॉन्ट साइज है बाकी टेक्स्ट से डबल है। स्पैन का मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर
इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई नहीं करना चाहेंगे, या आप कोई आप स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पे ये स्पैन का एलिमेंट यूज़ होगा। तो स्पैन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, इसका मतलब है जहाँ पे आप स्पैन को यूज़ करेंगे वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने स्टाइलिंग तीन एलिमेंट्स की डिफाइन कर दी, स्टाइल को क्लोज कर दिया, फिर हेड बॉडी और उसके बाद एक पैराग्राफ है स्टाइल्स डॉट डेमो। तो यहाँ पे कोई स्टाइलिंग आपने नहीं की, लेकिन इसके ऊपर जो आपने इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे डिफाइन की है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसमें जो एस है इसका फॉन्ट डबल हो जाएगा और उसके बाद जो बाकी टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर होगा। फिर यहाँ पे आपने किया है स्पैन टेस्ट अपर केस, तो ये नेक्स्ट लाइन में है बी आर के बाद, ये दिस इज पार्ट ऑफ पैराग्राफ। इसी पैराग्राफ में आप चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग है इस पर अप्लाई ना हो, बल्कि जो स्पैन के टैग में आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है या डिफाइन की है वो इस पर अप्लाई हो जाए। तो जब आप स्पैन को यूज़ करेंगे तो टेस्ट अपर केस, तो इसके ऊपर ये जो इसकी डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं ये इसके ऊपर अप्लाई होंगी। तो टेस्ट अपर केस स्पैन, तो इसमें जो टेक्स्ट होगा ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप ये पैराग्राफ टैग को क्लोज करें और इसको बॉडी और एचटीएमएल टैग्स को क्लोज करें, इसको सेव करें स्टाइल डॉट स्टाइल स्टाइल डैश एग्जाम्पल डॉट एचटीएमएल, तो ये आउटपुट ब्राउजर में शो हो। नेक्स्ट है कमेंट्स। तो जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में जावा में आप कमेंट्स देते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट अबाउट द प्रोग्राम या टेक्स्ट अबाउट द एलिमेंट्स और टैग्स, तो इसी तरह एचटीएमएल में भी आप कमेंट्स एचटीएमएल के टैग्स के बिटवीन, चाहे हेड में है बॉडी में है कहीं पे भी आप इनको राइट कर सकते हैं। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डैश डैश एंड एंड विथ माइनस माइनस, इनके दरमियान में आप कुछ भी जो लिखना चाह रहे हैं उसको आप राइट कर सकते हैं एज ए कमेंट। नेक्स्ट है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन जो है ये व्यूएबल पोर्शन होता है किसी भी एचटीएमएल पेज पर, और ये स्टार्ट होता है आफ्टर द हेड सेक्शन और ये स्टार्ट होता है विद द बॉडी एलिमेंट्स और स्लैश बॉडी एलिमेंट के साथ इसको क्लोज करते हैं। बॉडी सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक बोल्ड के लिए बी है, अटैलिक के लिए अटैलिसाइज टेक्स्ट के लिए आई है, अंडरलाइन है, सुपरस्क्रिप्ट आपने लिखना है तो एस यू पी है, सबस्क्रिप्ट है, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज्ड, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब है कि जिस फॉर्मेट में आपने टेक्स्ट को टाइप कर दिया है ये उसी फॉर्मेट में अपीयर होगा। ये कोई अगर आपने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम या तो इस तरह की कोई कोडिंग जो आपने स्पेसिफाई कर दी है वो उसी फॉर्मेट में अगर आप शो कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्री का टैग यूज होगा। तो ब्लॉक कोड है, कोटेड टेक्स्ट ब्लॉक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डेल जो है ये स्ट्राइक थ्रू लाइन के लिए है, क्या आप तो टेक्स्ट जो है वो इस तरह स्ट्राइक थ्रू में नजर आए। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एग्जांपल्स हैं। तो ये हेड बॉडी के अंदर आपने जितना भी हमने ये देखे हैं इनको अप्लाई किया है, लाइक H1, पैराग्राफ, एम्फसाइज, फिर उसके बाद प्री जो है ये टेक्स्ट यूज किया है और इसकी ये आउटपुट हमारे सामने आ रही है। तो ये प्री की जो है नेक्स्ट पैराग्राफ कॉलन प्री फॉर्मेटेड, तो जिस तरह आपने इसको टाइप किया ये एज इट इज़ नज़र आएगा। हेडिंग नोटिस जो है ये ऐसी नज़र आएगी, उसके बाद पैराग्राफ शो होगा, मोर इन्फो और इस तरह ये डिफरेंट टैग्स को आप टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक्स।
अगर आप किसी HTML पेज को लिंक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हाइपरलिंक या एंकर टैग यूज होता है। तो लाइक form.html एक और फाइल है जो आपके उसी फोल्डर में पड़ी है जहाँ पे आपकी मेन फाइल है जिसमें आप ये लिंक को टाइप करेंगे। तो ahreference form.html fill our forms, तो इस तरह आप इस फॉर्म को लिंक कर रहे हैं और उसके ऊपर जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो फिल आवर फॉर्म अपीयर होगा। इसी तरह एक जो डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है parent.html, वो सेम सर्वर के ऊपर है और सेम पेरेंट डायरेक्टरी में है। तो पेरेंट डायरेक्टरी को अगर आपने टारगेट करना है तो उसके लिए /parent.html, तो पेरेंट डायरेक्टरी में जो फाइल होगी वो इससे लिंक हो जाएगी। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है cat.html, वो सेम सर्वर के ऊपर है और सब डायरेक्टरी में है, ये पेरेंट डायरेक्टरी में था तो ये वाला जो cat.html जो है सब डायरेक्टरी में है, तो सब डायरेक्टरी में उसको लिंक करने के लिए आप डायरेक्टरी का नाम स्लैश और उसमें फाइल का नाम, तो ये सब डायरेक्टरी में जो फाइल होगी वो भी उससे लिंक हो जाएगी। अगर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक करना है तो हाइपर रेफरेंस में उस एक्सटर्नल वेबसाइट का नाम और target_blank, तो टारगेट की जो जब आप वैल्यू सेट करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है, तो इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये एक और टैब में ओपन होगी और उसमें जो टेक्स्ट अपीयर होगा वो ये वाला होगा। अगर आपने ईमेल एड्रेस को ओपन करना है लाइक जो डिफॉल्ट क्लाइंट होता है विंडोज़ में ईमेल का, उसको अगर आपने ओपन करना है तो उसके लिए जो रेफरेंस होगा mail to इज़ अ प्रॉपर्टी और उसमें जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ईमेल करना चाह रहे हैं लाइक bugs@example.com या कोई भी ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसका सब्जेक्ट बग रिपोर्ट, प्लीज रिपोर्ट बग्स हियर बाय ईमेल ओनली, और इसके बाद आप इसको ए करेंगे तो जो डिफॉल्ट आपकी विंडोज में ईमेल क्लाइंट होगा वो ओपन हो जाएगा और उसमें ये bugs@example.com जो एड्रेस है वो पहले से लिखा हुआ है और उसका सब्जेक्ट भी सेट होगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं वेब पेज में। नेक्स्ट है लिंक टू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड apply-now.html, तो सेम सर्वर के ऊपर सेम डायरेक्टरी में ये एक HTML फाइल पड़ी है, तो उसको आप करेंगे a-apply-now.html और उसके ऊपर आपने कोई इमेज रख दी है कि इस इमेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, apply-now.html फाइल ओपन हो जाएगी। एक्चुअली ये क्या है, वेब पेज है, तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ बटन रख सकते हैं, जिस तरह वेब पेजेस में आप देखते हैं होम बटन, अबाउट बटन, तो उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक और पेज शो हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप एक कोई बटन बना लें अप्लाई नाउ का बटन फोटोशॉप में या कोई फ्री वेयर आपके पास बटन है तो उसको आप यूज़ कर लें, तो उसको रखें और उसके साथ आप अपनी जो फाइल है उसको लिंक कर सकते हैं, या फिर आपने एक लिंक जो करना है वो index.html को करना है जो एक फाइल है और वो सेम सर्वर पे है और सब डायरेक्टरी में, ऑन द सेम सर्वर इन द सब डायरेक्टरी इंग्लिश ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी, तो पेरेंट डायरेक्टरी जो है इंग्लिश उसकी सब डायरेक्टरी में आपके पास जो है इंग्लिश में, इंग्लिश जो है सब डायरेक्टरी है और पेरेंट डायरेक्टरी में है उसमें फाइल है index.html, तो उसका आप पास इसको दे दें। लिंक टू अनदर लोकेशन इन द सेम डॉक्यूमेंट, एक ही वेब पेज के ऊपर आपने किसी और सेक्शन के ऊपर अपने फोकस को लेके जाना है लाइक फोकस जो व्यूएबल एरिया है वहां पे इसको पॉइंट करना है, तो अब ट्रेंड है वो सिंगल पेज वेबसाइट्स का है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है कि आपने सिंगल पेज अगर एक वेबसाइट बनाई है और आपने सेक्शन रख दिए हैं तो
एक सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज के ऊपर आप बॉटम पे कोई सेक्शन है तो वहाँ पे आपका जो फोकस है वो चला जाएगा। तो इसके लिए आपने हाइपर रेफरेंस साथ में ये नंबर साइन है सेक्शन वन गो टू इंट्रोडक्शन, और जो सेक्शन होगा जहाँ पे आप फोकस को लेके जाना होगा तो वहाँ पे आप इसकी आईडी सेक्शन वन रखेंगे। तो यहाँ पे ये आईडी का टैग जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया था कि इसके डिफरेंट यूजेस हैं, और ये तकरीबन हर एलिमेंट के में आईडी का टैग आप यूज़ कर सकते हैं। आप आईडी जो है किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। एलिमेंट को जब आईडी दी जाती है वो यूनिक होती है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो जिस वेब पेज में आप H2 को आईडी देंगे सेक्शन वन, वो आप किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते। और इस आईडी आप ये दी है आपने सेक्शन वन, और इसमें बाकी जो भी कंटेंट है, और इसको पॉइंट कर रहा है ये नंबर साइन हाइपर रेफरेंस नंबर साइन सेक्शन वन। जब इस पे क्लिक करेगा यूज़र तो इस सेक्शन पे आ जाएगा। अगर आपने एक और पेज के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपने रीडायरेक्ट करना है यूज़र को, तो चैप्टर 3.html फॉर एग्जांपल एक और फाइल है और उसमें सेक्शन 3.1.1 जो है वो सेक्शन है जहाँ पे आपने पॉइंट करना है। तो जो सेक्शन 3.1.1 है एक्चुअली ये क्या है, ये आईडी है, ये एक डिव टैग है उसकी आईडी है, और इसको आप पॉइंट कर रहे हैं यहाँ से। ये एग्जांपल है जो डिफरेंट हमने हाइपरलिंक्स यूज़ किए हैं, तो इनको आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें नोटपैड के अंदर तो ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये अप्लाई नाउ वाला बटन है जो हमने इमेज यहाँ पे रखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर जब क्लिक करेंगे तो फिल फॉर्म वाली जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो ये डिफरेंट जो हाइपरलिंक्स हैं ये उनके लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। लिंक टू सेम डॉक्यूमेंट, तो आपने सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो डिफरेंट आईडीज बनाई है, H1 की आईडी सेक्शन 1 है, H2 की आईडी सेक्शन 2 है, H3 की आईडी जो है सेक्शन 2.1 है, और जब इसको आप पॉइंट करेंगे फ्रॉम दिस टैग एंकर टैग के साथ तो आपका जो फोकस है या व्यूएबल एरिया है वो इस सेक्शन पे आ जाएगा। तो ये भी इसी तरह एज ए लिंक शो होंगे, इंट्रोडक्शन सम बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, सम बैकग्राउंड यहाँ पे है। तो जब इंट्रोडक्शन पे क्लिक होगा तो फोकस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर सम बैकग्राउंड के ऊपर होगा तो फोकस यहाँ पे आ जाएगा, ये व्यूएबल एरिया में आ जाएगा। IMT टैग हमने पहले भी यूज़ किया था, इसकी मज़ीद हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि IMG जो टैग है इसमें एक तो एट्रीब्यूट है SRC जो बताता है कि कौन सी फाइल एज ए इमेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो इमेज के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो SRC है, ALT है, हाइट विड्थ और बॉर्डर है। SRC का मतलब है लोकेशन ऑफ इमेज फाइल रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव एड्रेसिंग हो सकती है या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग हो सकती है। ALT का मतलब है सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट आर डिस्प्ले दैट इज इन टेक्स्ट मोड। तो अगर आपका इमेज लोड नहीं होता तो फिर आपका कौन सा टेक्स्ट जो है वो अपीयर होगा, हाइट क्या होगी, नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ द हाइट ऑफ योर इमेज, और विड्थ क्या होगी, ये भी पिक्सल्स में होगी। फिर उसके बाद है बॉर्डर, जो साइज ऑफ बॉर्डर होगा, 0 अगर आप रखते हैं तो इमेज का कोई बॉर्डर नहीं होगा, 1 रखते हैं तो बॉर्डर अपीयर होगा। ये एक एग्जांपल है SRC php.png ALT php logo। तो php logo ALT टेक्स्ट है, अगर ये इमेज फाइल अपीयर नहीं होता तो php logo टेक्स्ट अपीयर होगा। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इस फाइल का आप जो नेम है वो रॉन्ग लिखते हैं, लाइक आप फाइल रखें php.png और यहाँ पर आप करते हैं php.1png, तो फिर क्या होगा, फिर ये टेक्स्ट अपीयर होगा, इमेज अपीयर नहीं होगा। तो किसी भी वजह से, किसी एरर की वजह से, लो बैंडविड्थ की वजह से आपका इमेज अपीयर नहीं होता तो फिर ये टेक्स्ट जो है वहाँ पे अपीयर होगा। इसके अलावा भी डिफरेंट टैग्स हैं लाइक HR। अगर आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हॉरिजेंटल रूल HR जो एलिमेंट है, टैग है, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका आप साइज़
डिफाइन कर सकते हैं कितना उसका साइज होगा और विड्थ कितनी होगी, 70%, 10%। और फिर इसी तरह सेंटर जो टैग है, अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर्ड अलाइन करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डेप्लिकेटेड है, अभी HTML5 में इसको यूज़ नहीं करते हैं। फॉन्ट जो है ये भी डेप्लिकेटेड है, आप ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट में चला गया और वहाँ पे CSS में, CSS के ज़रिए आप इसको HTML में यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो टैग्स अभी हमने डिस्कस किए, HR साइज 5 width 70%, तो ये हॉरिजॉन्टल रूल जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। फिर उसके बाद ये HR है, सेंटर हेलो वर्ड, फिर फॉन्ट साइज 3 color blue font 3, और फिर ये दूसरा फॉन्ट साइज है। इस तरह आप फॉन्ट साइज इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट। जिस तरह आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट को इंसर्ट करते हैं, कुछ लिस्टें ऑर्डर्ड लिस्टें होती हैं, कुछ अनऑर्डर्ड लिस्टें होती हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि उसके अंदर स्पेसिफिक एक नंबरिंग होती है या अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, लाइक 1, 2, 3 ABC, स्मॉल ABC, Roman 1, 2, 3 Small Roman 1, 2, 3। तो ये क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, कि आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डरिंग इसमें बता दी है। तो ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL का एलिमेंट यूज़ होता है, तो OL Type 1। तो Type 1 का क्या मतलब है कि इसमें जो लिस्टिंग होगी वो 1, 2, 3 से होगी, और इसमें जो लिस्ट आइटम अगर आपने ये स्पेसिफाई करने हैं तो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, तो एल लाइट जो एलिमेंट है उसमें इन टेक्स्ट को लिखना है, तो ये इस तरह डिस्प्ले होंगे। तो इसी तरह अगर आपने ये ABC वाली एक लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे कैपिटल A लिखेंगे, स्मॉल ABC के साथ अगर आपने एक लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे स्मॉल A होगा, रोमन के साथ बनानी है तो ये रोमन यहाँ पे आप लिखेंगे, और स्मॉल रोमन वर्ड्स